नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे SK पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से DMIT फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑकल्ट ब्लड या हिमेटूरिया जिसे अपन कहते हैं, जो है अपनी पैथोलॉजिकल कंडीशन 7 जिसके अंदर हम जिसको पढ़ रहे हैं वो है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के अंदर। अपन टॉपिक नंबर 7 जो कि पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑकल्ट ब्लड या फिर हिमेटूरिया, इसको अपन आज डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 10 लेक्चर्स यूरिन एनालिसिस पर डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं ऑकल्ट ब्लड के बारे में। जैसा कि दोस्तों लास्ट वीडियोस में हमने देखा था, हर पैथोलॉजिकल कंडीशंस के लिए हम एक पर्टिकुलर टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, इसी प्रकार इस ऑकल्ट ब्लड पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए भी अपन एक पर्टिकुलर टेस्ट को परफॉर्म करेंगे जिसका नाम है बेंजेडिन टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग लगाएं आप टेस्ट, इसके अंदर अपन कौन सा परफॉर्म करेंगे जिसका नाम है बेंजेडिन टेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो है बेंजेडिन टेस्ट। नेक्स्ट हेडिंग लगाएं आप कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ये जो टेस्ट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस प्रिंसिपल कार्य करता है, वो चीज अपन देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगा लें प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, किसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल बेस पर ये टेस्ट को अपन परफॉर्म करते हैं, वो है आरबीसीज के अंदर अपन क्या डिटेक्ट करते हैं, यानी हिमेटूरिया का मतलब क्या होता है, हीम की प्रचुर मात्रा हो जाए इसके अंदर यूरिन के अंदर, वो हिमेटूरिया होता है। और हीम का मतलब है कि आरबीसीज होंगी, तो आरबीसीज के अंदर क्या होता है, परोक्सीडेज होता है। क्या होता है दोस्तों, परोक्सीडेज, आरबीसीज के अंदर पाया जाता है परोक्सीडेज। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि परोक्सीडेज रिएक्ट कराते हैं H2O2 की, ठीक है ना, हाइड्रोपरोक्साइड परोक्सीडेज की रिएक्शन कराएंगे H2O2 के साथ में, तो क्या बनाएगा, ये नीसेंट ऑक्सीजन बनाता है जिसे अपन नवजात ऑक्सीजन भी कहते हैं। और ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये एसिडिक मीडियम के साथ, एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है किसके साथ में, बेंजीडिन रिएजेंट के साथ। नेसेंट ऑक्सीजन बेंजीडिन रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेगा एसिडिक मीडियम में, तब ये बनाता है ब्लूइश ग्रीन कलर कंपाउंड का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, ये है इसका प्रिंसिपल कि परोक्सीडेज है जो प्रेजेंट होता है आरबीसीज के अंदर, वो H2O2 के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और नेसेंट ऑक्सीजन का निर्माण करता है जिसे अपन नवजात ऑक्सीजन भी कहते हैं। और नेसेंट ऑक्सीजन बेंजीडिन रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेगा एसिडिक मीडियम में, तो बनाएगा एक ब्लूइश ग्रीन कलर कंपाउंड, जो कि क्या है, इसकी ऑब्जर्वेशन है। और अब अपन देखेंगे इसकी लैंग्वेज क्या होगी। चलिए दोस्तों, देख ये होगी दोस्तों इस प्रिंसिपल की लैंग्वेज, जो मैंने अभी आपको समझाया था, परोक्सीडेज है जो प्रेजेंट होता है आरबीसीज के अंदर, रिएक्ट विद H2O2, H2O2 से रिएक्शन करेगा टू फॉर्म और बनाएगा क्या, नेसेंट ऑक्सीजन यानी नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, विच रिएक्ट विद, जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ में, बेंजीडिन रिएजेंट के साथ में इन एसिडिक मीडियम। ठीक है ना, बेंजीडिन रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करके ब्लूइश कलर कंपाउंड को बनाता है, जिससे पता चलता है कि जो हमने वो टेस्ट परफॉर्म किया है उसके अंदर क्या है, हिमेटूरिया कंडीशन है, या उस व्यक्ति के, उस पेशेंट की क्या है, ऑकल्ट ब्लड पैथोलॉजिकल कंडीशन, उस यूरिन के अंदर डिटेक्ट होती है।
फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट और रिएजेंट्स के बारे में। चलिए दोस्तों अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें किस किस इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी वो चीज अपन देखेंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट दोस्तों जिस प्रकार से आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है आपने लास्ट वीडियोस देखे होंगे। जो मेथड जो तरीका हमने लास्ट वीडियोस में यूज में किया था उसी तरीके को अपन इन वीडियोस में भी यूज कर रहे हैं। इसलिए एक तरीका यूज में किया जा रहा है कि सभी स्टूडेंट्स आसानी से उसे समझ सकें, सभी स्टूडेंट्स के माइंड में वो तरीका अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए कि हमें सबसे पहले टेस्ट का नाम लिखना है, उसके बाद प्रिंसिपल का नाम लिखना है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, फिर रिएजेंट, फिर ऑब्जर्व, फिर प्रोसीजर, फिर ऑब्जर्वेशन। इसी प्रकार से हम सारे टेस्ट परफॉर्म किए थे। यदि आपको इन टेस्ट से प्रॉब्लम कोई भी हो या हमने जो भी पढ़ाया है उसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें पता चल सके कि किस स्टूडेंट को या किस दोस्तों को कोई प्रॉब्लम है तो उसका अपन समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी हमको। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब को रखने के लिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड या टेस्ट ट्यूब रैक की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। और रिएजेंट्स को टेस्ट ट्यूब में डालने के लिए ड्रॉपर, पास्चर, पिपेट इनकी अपन रिक्वायरमेंट होती है। थोड़ा इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर अपन रिएजेंट कौन कौन से यूज में करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन डाल लें रिएजेंट्स, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी रिएजेंट्स की आवश्यकता होती है। रिएजेंट्स, फर्स्ट रिएजेंट तो अपन टेस्ट के नाम में ही है बेंजीडिन रिएजेंट का यूज करेंगे। बेंजीडिन रिएजेंट और नेक्स्ट जो कि प्रिंसिपल में आपको समझ में आया होगा कि H2O2 का उपयोग करेंगे वो 6% लेते हैं, ठीक है। फटाफट इसको लिख लें। बात करते हैं इसके प्रोसीजर की, इसका प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार से इसको अपन प्रोसेस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन डालेंगे प्रोसीजर। देखिए प्रोसीजर में क्या होगा, सबसे पहले हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने को 3 ml यूरिन को डालना है या ऐड करना है। तो ये क्या ले लिया, 3 ml यूरिन ले लिया, ठीक है दोस्तों। 3 ml यूरिन को ऐड करने के बाद में इसके अंदर हमें 2 ml क्या लेना है, बेंजीडिन रिएजेंट लेना है, ठीक है। क्या लेना है, 2 ml बेंजीडिन रिएजेंट, ठीक है। बेंजीडिन रिएजेंट को ऐड करने के बाद में इसे अपन मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में फ्यू ड्रॉप ऑफ क्या डालेंगे, H2O2 की अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इसको ऐड करने के बाद में जो इसकी ऑब्जर्वेशन दिखाई देगी अपने को वो दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो अपन ने मिक्सचर तैयार किया था, जो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने जो मिक्सचर तैयार किया था उस मिक्सचर का कलर यदि कैसा हो जाए, ब्लूइश ग्रीन कलर, ठीक है दोस्तों। क्या कि 3 ml यूरिन को ऐड किया, 2 ml बेंजीडिन रिएजेंट डालेंगे, उसके बाद में फ्यू ड्रॉप ऑफ H2O2 की डालेंगे और उसके बाद में अपन इस मिक्सचर को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यदि ब्लूइश ग्रीन कलर दिखाई देता है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस मिक्सचर को इस प्रोसीजर को करने के बाद में, तो ऑकल्ट ब्लड उस यूरिन के अंदर प्रेजेंट है, उस पेशेंट को कौन सा पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई है, ऑकल्ट ब्लड या हेमेजुरिया कंडीशन हो गई है। अब देखते हैं इसकी अपन लैंग्वेज क्या होगी, इसकी किस प्रकार से इसको अपन लिख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये होगा इस प्रोसीजर की लैंग्वेज जो मैंने अभी आपको समझाया था। 3 ml यूरिन सैंपल लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, 2 ml बेंजीडिन रिएजेंट को ऐड करना है, उसके बाद में मिक्स करना है और फ्यू ड्रॉप ऑफ क्या डालनी है CO2 की। उसके बाद में अपने को ऑब्जर्व करना है, यदि ब्लू स्क्रीन कलर दिखाई देता है तो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ ऑकल्ट ब्लड या फिर ब्लड। ठीक है ना, ये था इसका प्रोसीजर। यदि आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें ये दिक्कत है। ठीक है ना दोस्तों, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट डालें ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन दोस्तों, जो ये लास्ट पॉइंट है अपना ऑब्जर्वेशन, जिसको अपन सीख लेते ही एक तो प्रिंसिपल में आपको पता चल जाता है और प्रोसीजर के एंड में भी आपको पता चल जाता है। फिर भी आप देख लें कि प्रोसीजर क्या होगा, वो ऑब्जर्वेशन क्या होगी इसकी। नो चेंज इन कलर, यदि कलर में कोई चेंज नहीं होता है तो ऑकल्ट ब्लड क्या होगा, ऑकल्ट ब्लड एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑकल्ट ब्लड क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। तो यदि चेंज इन ब्लूइश ग्रीन कलर, और यदि चेंज होता है वो ब्लूइश ग्रीन कलर में, तो क्या हो जाएगा, ऑकल्ट ब्लड प्रेजेंट, ऑकल्ट ब्लड प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने दोस्तों को बता दें कि क्लिनिकल पैथोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस पर पढ़ाई जा रही है। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए थे और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों।